गुड मॉर्निंग बच्चों, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे जीके में कुछ और डिसीजेस। कल की वीडियो में हमने 1 to 20 डिसीजेस कंप्लीट किए थे, आपने लिख के भी दिखाया। आज हम कुछ और नए डिसीजेस पढ़ने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला डिसीज है आपका इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा क्या होता है? आपने इन्फ्लुएंजा की जगह फ्लू सुना होगा, तो फ्लू से समझिए फ्लू क्या होता है। इसको इन्फ्लुएंजा भी बोला जाता है। देखिए, एक टाइप का वायरस होता है, एक कम्युनिकेबल डिसीज़ होता है। वायरस मतलब कम्युनिकेबल डिसीज़ है, मतलब एक इंसान से दूसरे इंसान तक बहुत जल्दी से ट्रांसफ़र होगा। अब वो कैसे ट्रांसफ़र होगा? अगर आपने किसी के साथ हैंडशेक किए और उसके अंदर ऑलरेडी वो डिसीज़ है, या फिर किसी ने आपके ऊपर खांसा या कहीं पर भी कुछ हुआ, मतलब कम्युनिकेट हुआ, ठीक है, फिजिकली कम्युनिकेट हुआ, किसी के शर्ट पे कुछ है और आपने उस पे हाथ रख दिया, इसका मतलब अब आप भी क्या हैं, इन्फेक्टेड हो रहे हैं। इस वजह से फ्लू हो सकता है आपको, और ये आपको इन्फेक्ट करेगा। आपको कोल्ड हो सकता है, फीवर हो सकता है, आपके लंग्स में दिक्कत हो सकती है ड्यू टू इन्फ्लुएंजा, फ्लू। आपको समझ में आया? इन्फ्लुएंजा की स्पेलिंग लर्न करिए, INFLUENZA, इन्फ्लुएंजा। फिर से INFLUENZA, इन्फ्लुएंजा मतलब फ्लू। दूसरा है आपका कॉमन कोल्ड, मतलब सर्दी जुखाम। अब सर्दी जुखाम कैसे होता है? ये तो कॉमन बीमारी है जो ऑलमोस्ट सबको हो जाती है। किससे? आइसक्रीम खाने से। सर्दी जुखाम कैसे होता है? एसी में सोने से। सर्दी गर्मी हो गई, आपको पसीना आ रहा है एकदम से, और आप कहीं से बाहर से आए हैं और आपने ठंडा पानी पी लिया, तो आपको हो सकता है, या फिर आप एसी में जाकर बैठ गए, या फिर एसी से निकलकर आप सडनली कहीं ऐसी जगह चले गए, आप एकदम गर्मी में आ गए, तो फिर आपका अगर टेम्परेचर मेंटेन नहीं है एक टाइम तक, या फिर टेम्परेचर बहुत ऊपर नीचे हो रहा है सडनली, तो आपको सर्दी जुकाम अच्छे से हो सकता है। या फिर आपने गर्मी में ज़्यादा ठंडी चीज़ खा ली, ठंडी में आपने ज़्यादा कुछ ठंडा पी लिया पानी, तो फिर ऐसा आपको कॉमनली हो सकता है। ऐसा नहीं है गर्मी चल रही है तो आप आइसक्रीम ही आइसक्रीम लेंगे, सर्दी गर्मी हो सकती है, ज़्यादा आइसक्रीम भी क्या हो सकती है, हानिकारक आपके सेहत के लिए हो सकती है। कॉमन कोल्ड, सर्दी जुकाम। स्पेलिंग लर्न करते हैं, COMMON कॉमन कोल्ड, COLD कोल्ड। थर्ड है आपका रुबेला। रुबेला मतलब होता है जर्मन खसरा, इसको जर्मन मीसल्स भी बोला जाता है। अच्छा, इस बीमारी को अच्छी तरीके से समझिए। आपकी बॉडी पर रेड रेड रैशेज हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? धब्बे टाइप के हो जाते हैं, रैशेज हो जाते हैं। ये भी एक टाइप का वायरल इन्फेक्शन है, और ये एक टाइप का कम्युनिकेबल डिसीज़ है। स्पेशली ये चिल्ड्रंस को होता है। इसमें आपको माइल्ड फीवर रहेगा, हल्का फुल्का बुखार रहेगा, हेडेक रहेगा, और आपकी जो नोज़ है वो चलती रहेगी, मतलब रनी रोज होगी, नोज़ होगी आपकी, आपकी नाक लगातार चलती रहेगी, मतलब आपको कोल्ड रहेगा। ये होता किस तरीके से है? अगर किसी को है और आप उसके डायरेक्ट टच में आ गए हो, कांटेक्ट में आ गए हो, तो ये आपको भी हो सकता है। जैसे कि अभी जो कोरोना चल रहा है, ये भी एक टाइप का कम्युनिकेबल डिसीज़ है, एक इंसान से दूसरे इंसान तक आराम से पहुंचेगा अगर आपने कम्युनिकेट किया तो। इसको जर्मन मीसल्स भी बोला जाता है। मेनली ये चिल्ड्रंस में होता है, ये अनबॉर्न बेबीज़ को भी हो जाता है। जैसे कि कोई विमेन है जो प्रेग्नेंट है, और अगर उन्हें हुआ है तो उनके अंदर जो बेबी है वो, उसको भी वो हो सकता है, या मेनली होता है अगर उनको हुआ है तो फिर सबको क्या लेनी पड़ती है? प्रोटेक्शन लेनी पड़ती है, प्रेग्नेंट विमेन को भी लेनी पड़ती है, ताकि बच्चे को ना हो, क्योंकि अनबॉर्न बेबी जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा कोमल होते हैं, उनके अंदर इतनी इम्यून पावर नहीं होती कि वो किसी भी बीमारी को उस टाइम पर झेल पाएँ। इस वजह से सबको क्या करना पड़ता है? प्रोटेक्शन लेना पड़ता है। आगे क्या आ रहा है आपका? चिकन पॉक्स। अच्छा, रुबेला की एक बार स्पेलिंग लर्न करिए, RUBELLA, रुबेला। दोबारा से RUBELLA, रुबेला। रुबेला मतलब जर्मन खसरा। अच्छा, इसको जर्मन मीसल्स भी बोला जाता है। 24th है आपका चिकन पॉक्स। चिकन पॉक्स कॉमनली सबने सुना है, छोटी जो माता आ जाती है, हमें इसमें क्या करना पड़ता है? ये भी एक टाइप का कम्युनिकेबल डिसीज़ हम बोल सकते हैं। अगर कोई, ये हमेशा आपके लाइफ में एक बार होना ही होता है, और अगर ये नहीं हुआ है और किसी को हो गया है, जैसे कि मुझे आज तक नहीं हुआ, लेकिन अगर मेरे आसपास किसी को हो रहा है, तो मैं बहुत जल्दी से कैच कर सकती हूँ, मैं इस बीमारी को बहुत जल्दी कैच कर पाऊँगी। क्यों? क्योंकि ये अभी तक मुझे नहीं हुआ इस वजह से। लेकिन अगर मुझे हो चुका है, तो मैं अगर किसी के कम्युनिकेशन में आ जाऊँगी, तो मुझे इतनी आसानी से ये नहीं होगा। हर बीमारी के अपने अपने कॉजेज़ होते हैं, अपने अपने सिम्टम्स होते हैं।
ऐसे ही इस बीमारी का है, आपके पीठ में बहुत दर्द रहेगा, बॉडी पेन कुछ ज़्यादा ही रहेगा। इसमें क्या रखते हैं, नीम रखते हैं आसपास, क्योंकि खुजली मचती है, बहुत ज़्यादा इचिंग होती है, तो नीम लगाई जाती है ताकि आपको ठंडक बनी रहे और ज़्यादा खुजली ना हो। अगर आपने उसको इच कर लिया, खुजली कर ली वहाँ पर, तो जो वो स्पॉट होता है, एक दाना टाइप का होता है, वो वहीं की वहीं रह जाएगा हमेशा के लिए, लाइफ टाइम। आप किसी भी डॉक्टर से वो उसको नहीं हटवा सकते हो, कितने भी आप ट्यूब्स मेडिसिन यूज़ कर लो, आप उसको नहीं हटवा सकते। इससे अच्छा रहता है कि अगर ये किसी को भी होता है तो कहाँ पर भी कहीं पर भी खुजली हो रही है, इचिंग हो रही है, तो उसको आप उसको रब कर लीजिए, सहला लीजिए, तो वहाँ की वहाँ वो खुजली हट जाती है। ठीक है, चिकन पॉक्स स्पेलिंग लर्न करिए, CHICKEN चिकन पॉक्स POX। आगे है पोलियो। पोलियो कैसे होता है, ये एक टाइप का पोलियो वायरस होता है। अगर आपने पुअर हैंड वॉशिंग करी है और आप कुछ भी हेल्दी खाते नहीं हो, पीते नहीं हो, जूसेस वगैरह अगर आप नहीं लेते हो, कंटेमिनेटेड फूड ही लेते हो, बाहर का जंक फूड ही लेते हो, और मोस्टली अगर आपको वैक्सीन नहीं लगी है, बच्चों को शुरू में ही जो न्यू बॉर्न बेबीज़ होते हैं उनको वैक्सीन लगाई जाती है, और कुछ इंटरकोर्स होता है इसका, कुछ टाइम तक वैक्सीन लगती है, तो बचपन में ही आपको इसकी वैक्सीन लग जाए तो ये चीज़ आपको कभी भी लाइफ में नहीं होगी, और ये चीज़ प्रूव्ड हो चुकी है। पहले नई नई जब ये बीमारी आई थी तब इसको इलाज करने के लिए, इससे लड़ने के लिए डॉक्टर्स कुछ नहीं निकाल पा रहे थे, लेकिन बाहर के कंट्रीज़ के थ्रू जब ये वैक्सीन इन्वेंट हुई तो वहाँ के द्वारा हमारे तक पहुँची, और आज की डेट में न्यू बॉर्न बेबीज़ जो भी होते हैं, बॉर्न बेबीज़ होते हैं, उन्हें ये वैक्सीन लगवानी ज़रूरी होती है, क्योंकि इस वैक्सीन को लगवाने के बाद, इस वैक्सीन का इंटरकोर्स करने के बाद आपको ये बीमारी कभी भी नहीं होगी। पोलियो से क्या होता है, आपका शरीर के कुछ जो बोन्स होते हैं वो काम करने बंद कर देते हैं, मतलब आपके पैर में आपका पैर, आप एक पैर से ही चल पाओगे, दूसरा पैर आपका काम नहीं करेगा, आपको क्या कहते हैं, बैसाखियाँ यूज़ करनी पड़ेंगी। ठीक है, तो ये बीमारी भी ऐसी होती है कि फिर ये कभी क्योर नहीं हो सकती, अगर ये आपको हो गई तो उसमें फिर आपको ही अपने तरीके से हील करना पड़ेगा, डॉक्टर्स कुछ नहीं कर सकते। तो इससे बेटर है कि हम लापरवाही ना बरतें, जिस चीज़ में हमें वैक्सीन लगवानी है, वैक्सीनेट होना है, उसमें हम वैक्सीनेट हो जाएं, ताकि हमें ये बीमारियों से हम मुक्त हो जाएं लाइफ टाइम के लिए। और ये बीमारियां जो होती हैं हमें अंदर ही अंदर इंटरनली डैमेज करती जाती हैं। आगे डिसीजेस पढ़ते हैं, चलिए आगे पढ़ते हैं, 5 बीमारियाँ और हैं, ये लास्ट हैं, इसके बाद आपका डिसीजेस टॉपिक कम्प्लीट हो जाएगा। ये है एड्स। एड्स क्या होता है, एड्स की फुल फॉर्म है, ठीक है, एड्स की फुल फॉर्म क्या है मैं आपको बताती हूँ, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। दोबारा से, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, ये भी एक टाइप का कम्युनिकेबल डिसीज़ होता है। अगर आप किसी का इन्फेक्टेड ब्लड है और उसके साथ आपने सेक्सुअली इंटरकोर्स किया हुआ है तो फिर आपको, आप भी इन्फेक्ट हो जाएंगे। इसमें क्या होता है, जो आपकी प्लेटलेट्स होती हैं वो, आपकी प्लेटलेट्स, आपका इम्यून सिस्टम डाउन 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 होता जाता है, और इसके लिए अभी कोई ऐसी परफेक्ट मेडिसिन भी नहीं निकली है कि आपको वो क्योर कर पाए, आपको हील कर पाए। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें मतलब सेक्सुअली इंटरकोर्स, आप समझ रहे हैं, अलग 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 इंसान से, तो उससे क्या होता है, आप इन्फेक्ट हो जाते हो। ठीक है, तो आपको वो चीज़ आपके इम्यून सिस्टम को डैमेज करती है और ये बीमारी आपको लग जाती है, और इस बीमारी का अभी कोई इलाज नहीं है, अभी कोई भी इसका डॉक्टर्स ने इलाज नहीं निकाल पाए हैं इसका। आप डायरेक्ट, मतलब आप 1-2 महीने तक सर्वाइव करेंगे, उसके बाद आपकी डेथ हो जाएगी अगर आपने ऐसा किया है तो इससे अच्छा है कि हम किसी के साथ भी ज़्यादा इंटीमेट ना हो। आगे है, ये एक मतलब जो एड्स है आपका, वो एक टाइप का सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है। आगे बढ़ते हैं, रेबीज़। रेबीज़ क्या होता है, रेबीज़ भी एक बहुत ख़तरनाक बीमारी है, इससे भी मृत्यु हो जाती है, डेथ हो जाती है। ये स्पेशली डॉग्स और कैट्स वगैरह के जो सलाइवा होता है उनके माउथ में, ये जो इन्फेक्टेड होता है, ये इनका मतलब हमारे लिए इन्फेक्टेड होता है। अगर आपको किसी डॉग ने काट लिया है, आपने इंजेक्शंस लगवा लिए हैं, सब लगवा लिया है, लेकिन फिर भी 1% चांस आपका हमेशा लाइफ में रहेगा रेबीज़ होने का, और रेबीज़ होने के बाद आप बच नहीं सकते, आपको मतलब बहुत ख़तरनाक डेथ होती है इसके बाद, मतलब बहुत हार्डली सर्वाइव करना पड़ता है। और अगर किसी, आपको कोई वाउंड हुआ है, कोई घाव हो रखा है और आपके ऊपर किसी भी एनिमल का सलाइवा अगर आपके वाउंड पर आ गया तो इसका मतलब आपको रेबीज़ हो सकती है। तो इससे अच्छा है हम अपने जितने भी हमारे शरीर में घाव वगैरह होते हैं हम उसको पट्टी करवा के रखें, ताकि हमें ऐसी कोई बीमारी से सर्वाइव ना करना पड़े। तो ये मेनली थ्रू एनिमल्स होती है। रेबीज़ की स्पेलिंग लर्न करिए, RABIES, रेबीज़।
फिर है इबोला, इबोला भी एक बीमारी है। अच्छा, इबोला मतलब एक टाइप का इबोला वायरस है, उसके थ्रू इबोला बीमारी है ये। इसके जो जितने भी सिम्टम्स होते हैं ये 2 से 3 हफ्ते के बाद नज़र में आते हैं। आपका थ्रोट सोर होने लगेगा, आपकी जो किडनी और लिवर है उसको ये वीक करते जाएंगे, एक टाइप का फीवर आएगा आपको, जिसका असर जो होगा, जिसका जो प्रभाव होगा वो आपको 2 से 3 हफ्तों के बाद दिखेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सिफिलिस, सिफिलिस मतलब क्या होता है, ये भी एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ है। अगर आपने किसी के साथ इंटरकोर्स किया है या फिर आप किसी के साथ इंटीमेट हुए हो, इससे ये बीमारी आपको हो सकती है। लेकिन जैसे एड्स है वैसा ये नहीं है, ये क्योर हो सकती है। लेकिन अगर आपने इसको ईजिली लिया कि भाई क्योर हो जाएगी, हम बाद में इलाज करवा लेंगे, तो इट मे कॉज टू डेथ। अगर आप इसकी एंटीबायोटिक्स चलती हैं, दवाइयाँ चलती हैं, उसको आपको लेना ही पड़ेगा। अगर आपने नहीं लिया तो आपको ट्यूमर की प्रॉब्लम हो सकती है, पैरालिसिस हो सकता है, आपकी बॉडी इंटरनली वीक हो सकती है, इंटरनल ब्लीडिंग वगैरह हो सकती है, एक्सटर्नल ब्लीडिंग हो सकती है, कभी भी हो सकती है, आपको हेडेक हो सकता है, आपका स्टमक पेन हो सकता है। तो बहुत सारी बीमारियाँ आप एक बीमारी की वजह से सफ़र कर सकते हो। तो कभी भी डिसीज़ को इग्नोर नहीं करना चाहिए, छोटे से छोटे डिसीज़ को भी क्योर करवा लेना चाहिए। तो थ्रू एंटीबायोटिक्स एक स्मॉल इंटरकोर्स में भी हो जाती है। आगे है आपका लास्ट डिसीज है स्कैबीज। स्कैबीज मतलब होती है खाज। ये एक टाइप का कम्युनिकेबल डिसीज है, ये एक टाइप का। और इससे क्या होता है, जैसे आप किसी से ज़्यादा टच हो गए तो इसका आपको खुजली मचती है, मतलब इचिंग डिसीज है ये, बहुत ज़्यादा खुजली मचती है और रैशेज जो होते हैं वो होने चालू हो जाते हैं। तो इसकी भी क्योर हो जाता है, ये भी इसका भी ट्रीटमेंट है, और वो ट्रीटमेंट कुछ महीनों तक चलता है, उसके बाद ये बीमारी आपकी हट जाती है। लेकिन कोई भी अगर खुजाने वाली बीमारी है जिसमें इचिंग हो रही है, तो ध्यान रखिए अपनी, पहले तो नेल्स को कट करिए, उसको खुजाइए मत। क्यों? क्योंकि खुजाने के बाद वो और फैलती है, बचती नहीं है, और आपके नेल्स जो हैं उसमें भी वो इन्फेक्शन आ जाएगा। और एक ध्यान रखिए, कम्युनिकेबल डिसीज़ है, ज़रूरी नहीं है आपकी बॉडी के एक पार्ट में हो गया तो अब आपको कहीं नहीं होगा, हो सकता है आपके नेल्स में आके आपने दूसरी पार्ट को टच किया और वहाँ भी हो जाए। इसीलिए कम्युनिकेबल डिसीज से हमेशा बच के रहना चाहिए, हमेशा अपने आप को प्रोटेक्ट रखना चाहिए। तो आज की वीडियो में मैंने आपको 21 से लेकर 30 तक सारे न्यू डिसीजेस पढ़ाए हैं, इन्हें आपको अच्छे से लर्न करना है, अपनी कॉपी पे लिखना है। कल मिलेंगे हम न्यू वीडियो के साथ और न्यू टॉपिक के साथ। इस वीडियो के साथ आपका ये वाला जो टॉपिक है डिसीजेज, ये कंप्लीट हो गया है। आपको पूरा 1 to 30 लर्न करना है और कॉपी में आपको 21 से लेकर 30 तक लिखना है। इज़ दैट क्लियर टू यू? वेरी गुड, अच्छे से लर्न कीजिएगा इन बीमारियों के बारे में, और देखिएगा, समझिएगा, और अपने घर में आगे पीछे कहीं भी हैं तो और इन्फॉर्मेशन पहुँचाइएगा। इसलिए आपसे कहा जाता है आप वीडियोज़ को अच्छी तरीके से देखें, वॉच करें। कल मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।